Hello and welcome to you all, my dear friends. Today we are going to learn about unit number 10, ecology. The 12th science NCERT biology का topic ecology ये 10th unit है. इस 10th unit में प्यारे दोस्तों जानेंगे कि organism and population part 1 के बारे में. साथियों इस ecology unit में total 4 topics है. Chapter number 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, 16 चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यू. तो इस टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कंटेंट है कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, दूसरा कंटेंट है पॉपुलेशन. दो ही कंटेंट इस टॉपिक में है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. साथियों इकोलॉजी बेहद ही नीट के लिए इम्पोर्टेंट यूनिट होता है. यहाँ से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं. याद रखना बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस इकोलॉजी से कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी हो या स्टेट लेवल की पब्लिक कमीशन की एग्जाम्स हो तो उसमें ये इकोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस के बेहद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो आपको इकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो शुरू करेंगे ये टॉपिक नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में. तो यहाँ पर देखिए कि माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है. शुरू करेंगे ये इकोलॉजी टॉपिक, यूनिट 10 है. ये टर्म इकोलॉजी ग्रीक भाषा में ओकियोस होम एंड लॉगस यानी कि टू स्टडी, ये टर्म दिए है अर्नस्ट हैकल इन 1869. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अर्नस्ट हैकल का फोटोग्राफ दिया है. तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो इकोलॉजी की डेफिनेशन है, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट विच स्टडीज, ऐसा उसमें स्टडी किया जाता है इंट्रैक्शंस का. इंट्रैक्शंस यानी कि अंतरक्रिया कहते हैं, यानी कि टाइप ऑफ एक्शन, कहाँ पर ये एक्शन होती है, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स अ फिजिकल यानी कि अबायोटिक एनवायरमेंट. ये अच्छी तरह से आप याद रखना ये इकोलॉजी की डेफिनेशन. देखिए इस पिक्चर में इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स अ फिजिकल एनवायरमेंट, तो इसे इकोलॉजी कहते हैं. यही तो बात है इकोलॉजी की. तो यहाँ फिजिकल फैक्टर में अभी ये सनलाइट आता है, वाटर आता है, कई माउंटेन्स आते हैं, तो ये है इकोलॉजी के फिजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स कि ये देयर आर टू मेजर सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी के दो मेजर सब डिविजन है. नंबर वन का है एटो इकोलॉजी. इस पिक्चर में देखिए कि ये सिंगल आपको लायन दिखाई दे रहा है, ये सिंगल प्लांट दिखाई दे रहा है. मीन्स रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंट प्लस सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उसे सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज भी कहते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर इसकी प्लांट की हो या एनिमल की, उसे एटो इकोलॉजी कहते हैं. और दूसरा सब डिविजन होता है सिनिकोलॉजी या सिनिकोलॉजी, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंट प्लस होल प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज और प्लांट एंड एनिमल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे सिनिकोलॉजी कहते हैं. इस पिक्चर में देखिए कि होल प्लांट्स कम्युनिटीज दिखाई दे रही है, होल एनिमल कम्युनिटीज दिखाई दे रही है, इसे सिनिकोलॉजी कहते हैं. और जब बात करते हैं उनके एटो इकोलॉजी हो या सिनिकोलॉजी, इनके साथ होने वाला एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट किसे कहते हैं, सम ऑफ टोटल ऑल बायोटिक यानी कि जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है, सॉरी ऑल बायोटिक फैक्टर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल, एंड अबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉइल, तो उससे एनवायरमेंट बनता है. यानी कि एनवायरमेंट किसे कहते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक यानी कि लिविंग एंड अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ पर, उसे एनवायरमेंट कहते हैं. साथियों नेक्स्ट देखेंगे कि इकोलॉजी, ये फादर ऑफ इकोलॉजी, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर है यूजीन ओडुम, और इन्होंने इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट डेवलप किया था. और बात करते हैं इंडियन कंटेस्ट की, तो रामदेव मिश्रा, यहाँ पर देखिए कि ये रामदेव मिश्रा का फोटोग्राफ दिया है. ये रिवर्ड एज ए फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इनका फोटोग्राफ भी दिया है पहले पेज पर, इकोलॉजी जब स्टार्ट होती है तब. और ये रामदेव मिश्रा ऑनर्ड प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इन
इन्हें दिया है और दिया था ड्यू टू हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाई थी NCEPC 1972 में। तो ये रामदेव मिश्रा की ये कमेटी इस्टेब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री बनाई, मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसे MOEF कहेंगे 1984 को। तो स्पेशल एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री 1984 इंडिया में बनाई थी इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स की बात करेंगे, अभी से यहाँ से स्टार्ट होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये टॉपिक। तो याद रखिए कि ऑर्गेनिज्म, पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू, ये लिविंग थिंग्स होती है ऑर्गेनिज्म, दैट हैज अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू स्टिमुलाई करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, ग्रोथ भी होती है, और ऑर्गेनिज्म कई कंडीशंस को अडैप्ट करता है या और मेंटेन करता है होमोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस यानी कि इंटरनल टेम्परेचर वो खुद ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है, खुद के यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ग्रुप होंगे, सेम स्पीसीज होंगी, हु लिव इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश में रहेंगे उसे, और ये कैपेबल करेंगे इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग यानी कि वो ऐसी स्पीसीज वो उनकी प्रजनन करेगी, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, ये ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्टिमुलाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो ये ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। एंड पॉपुलेशन की है किसे कहते हैं, कि नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम ग्रुप और स्पीसीज हु लिव्ड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, और इनमें ही ये कैपेबल होते हैं इनब्रीडिंग के लिए यानी कि प्रजनन के लिए। तो ये हुई बात ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, आपकी यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगी। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों कि आप ये लिविंग वर्ल्ड जो भी है, ये फैसिनेटिंगली बहुत ही मोहक होता है, ये वैविध्यपूर्ण होता है, जटिल होता है, अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये लिविंग वर्ल्ड सजीव सृष्टि ये कैसी मोहक और जटिल होती है। और वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यदि इसे लिविंग वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसकी जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी इन्वेस्टिगेटिंग करना पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस के द्वारा करना पड़ेगी, कहाँ पर ऐसे वेरियस लेवल्स होते हैं, उसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहते हैं, और आपको सिलेबस में 8 बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस डायग्राम में देखिए कि आपको दिखाई देगा, पहले मैक्रो मॉलिक्यूल से ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स उसे सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, उसे माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल कहेंगे, और बाद में उसके मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगी। व्हाट इज सेल, आप जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे उसे। तो टिश्यू की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, और जब बात करते हैं टिश्यू, ये देखिए यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये स्मॉल केमिकल कंपाउंड होते हैं, और इससे सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गन्स, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू उसे ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट स्टडी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का स्टडी जब करते हैं तो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, बेहद ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपके लिए कह रहा हूँ। इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, यहाँ पर जिसे सेकंड स्टेप। तो इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज उससे पॉपुलेशन बनता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ प्लांट हो या एनिमल हो, किसी प्लांट की स्पीसीज हो या एनिमल की स्पीसीज हो, इनहेबिटिंग इन अ गिवन एरिया, तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। साथियों आगे बात करेंगे पॉपुलेशन से, यहाँ पर देखिए कि ऑर्गन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का वो पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए प्लांट और एनिमल इनहेबिटिंग इन अ गिवन एरिया। और बात करेंगे पॉपुलेशन से कम्युनिटीज बनती है, कम्युनिटीज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि कम्युनिटीज की बात करते हैं, कम्युनिटीज यहाँ पर देखिए असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी दैट लिव एन एरिया इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम कैसे बनती है, कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग सराउंडिंग, तो नॉन लिविंग सराउंडिंग कौन सी होती है, उसे अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं।
अबायोटिक फैक्टर होगा, वाटर होगी, लिथोस्पोर लिथोस्पोर होगा यानी कि जमीन होगी, एटमोस्फियर होगा, तो ये इकोसिस्टम बनती है। कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग, लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग को इकोसिस्टम कहते हैं। और बात करते हैं बायोम्स की, तो प्यारे दोस्तों बायोम्स क्या होता है कि बायोम्स या लार्ज रीजनल यूनिट ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन टाइप यानी कि प्लांट्स एंड फौना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट फाउंड इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स, उसे बायोम कहते हैं। बायोम यानी कि स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, उस बायोम में आपको फ्लोरा यानी कि प्लांट्स और फौना यानी कि एनिमल्स ये आप क्या करते हैं, नेचुरली ऑकरिंग कम्युनिटी होती है, और मेजर हैबिटेट फाउंड इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उसे बायोम कहते हैं, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। यहाँ पर देखिए टॉप लेवल पर बायोस्फीयर है। तो ऑन ग्लोबल स्केल ऑल टेरिस्ट्रियल बायोम, जमीन पर जितने भी टेरिस्ट्रियल बायोम्स होते हैं, टेरिस्ट्रियल बायोम्स यानी कि सभी ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट होंगी उसमें, उस पर ऑल टाइप का ये लैंड होगी, और बायोम में एक्वेटिक सिस्टम इंक्लूड करेगी, उससे ये डेजर्ट हो ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये वही बात है बायोस्फीयर की, तो उसे ये देखिए कि बायोम्स के बाद आएगा बायोस्फीयर। साथियों ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एनी एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, सेल टिश्यू पॉपुलेशन कम्युनिटीज इकोसिस्टम बायोम और बायोस्फीयर। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल पर आप दो टाइप के क्वेश्चंस आपको खुद को पूछ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप खुद को पूछें, स्वयं को पूछो, व्हेन वी हियर अ बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, जब बुलबुल ये गाता है गार्डन में, तो वी मे आस्क, आप खुद को क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ डज द बर्ड सिंगिंग, बर्ड कैसे गाते हैं, और व्हाई डज द बर्ड सिंगिंग, बर्ड कैसे गाते हैं, बर्ड क्यों गाते हैं, तो इनका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपके लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। साथियों हाउ डज द बर्ड सिंगिंग और व्हाई डज द बर्ड सिंगिंग, इसके पीछे कई आंसर छिपे हैं, तो इस आंसर का आप जवाब कैसे देंगे। तो बर्ड सिंगिंग, बर्ड्स में यहाँ पर देखिए ये बुलबुल की बात की है, तो बुलबुल ये बर्ड्स ये एल्स क्लास से आता है, और सभी इनके बोन्स से ये बॉडी बनती है, और ये बर्ड्स के अंदर स्पेशल वॉइस बॉक्स होता है, और उस स्पेशल वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन सीख मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, बर्ड्स ऐसा सिंगिंग करता है तो इस मैकेनिज्म होता है प्रोसेस का, और व्हाई टाइप का क्वेश्चन जब प्रोड्यूस होता है तो सिंगिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस बन जाती है, तो ये वही बात मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ सिंगिंग एंड सिग्निफिकेंस प्रोसेस ऑफ द सिंगिंग। तो प्यारे दोस्तों फॉर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर माइट बी टर्म द ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स, उसे सिरिंग्स कहते हैं, और ये सिरिंग्स वाइब्रेटिंग बोन होता है बर्ड्स में। जब ह्यूमन की बात करते हैं तो ये लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स ह्यूमन में, बर्ड्स में सिरिंग्स होता है, और ये दूसरा क्वेश्चन व्हाई टाइप का जो है, तो इसे बर्ड नीड टू कम्युनिकेट, बर्ड को कम्युनिकेट करना पड़ता है, किस लिए, मेटिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन आता है तब मेटिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बुलबुल सिंगिंग कर रहा है और इनकी मेटिंग चल रही है और कई इंट्रैक्शन चल रही है, तो उसे ब्रीडिंग सीजन में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन एंड मेट ये व्हाई टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों की बात करेंगे किसकी, कि जब आप निरीक्षण कर रहे हैं नेचर का अराउंड यू विद साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टनली कम अप विद मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ अबाउट टाइप, व्हाई टाइप के हाउ टाइप के क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। तो एक क्वेश्चन है व्हाई आर द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली, भाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स रात को उमलने वाले फ्लावर्स शुभ्र क्यों होते हैं, व्हाइट क्यों होते हैं, तो देखिए कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट बिकॉज एट नाइट दे डू नॉट हैव वेस्ट रिसोर्सेस टू सीक्रेट आउट कलर्ड पिगमेंट्स टू बी विजिबल टू इंसेक्ट्स, एंड एट नाइट व्हाइट कलर रिफ्रैक्ट्स लाइट विच मेक देम विजिबल फॉर पॉलिनेशन। तो बैट जैसे मैमिलियंस, बैट जैसे मैमिलियंस ये नाइट फ्लावर को पॉलिनेट कहते हैं, याद रखना।
साथियों दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आता है, हाउ डज द बीज नोज व्हिच फ्लावर हैज नेक्टर। तो बीज को कैसे पता चलता है कि फ्लावर में नेक्टर है? तो एक स्मेल ऑफ नेक्टर हेल्प्स द बीज टू रीच द फ्लावर। एक स्पेसिफिक स्मेल आता है नेक्टर का, तो उस नेक्टर की स्मेल से बीज को पता चलता है यहाँ पर नेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद को पूछे कि व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स। यहाँ पर आप प्यारे दोस्तों देखिए, ये कैक्टस का प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। इस कैक्टस पर सो मेनी थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, और ये देखिए कि कैक्टस हैज मोर थॉर्न्स किस लिए होते हैं? रिड्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड डिजीज, द एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस टू सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट में आपको पाए जाते हैं सभी कैक्टस, और इस ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ट्रांसपिरेशन ये ज्यादा नहीं करते क्योंकि डेजर्ट में बहुत सारे हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, हाउ डज चिक स्पोर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर्स। खुद ये देखिए कि ये आपको बर्ड्स के आपको चिक्स दिखाई दे रहे हैं, और ये चिक्स खुद की मदर को कैसे पहचानते हैं? तो ये पहचानने का तरीका जो है, तो चिक्स रिकॉग्नाइज देयर ओन मदर बाय फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एक टाइप का हार्मोन है, और ये फेरोमोन्स एक्ट करता है, हार्मोन हेल्प टू इन दिस प्रोसेस, तो उसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इस हार्मोन से पता चलता है, उसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं। इम्प्रिंटिंग टेक्निक से वो ये बर्ड्स के जो भी चिक्स होते हैं, ये आपकी खुद की माँ को पहचानते हैं, उसे इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये वही बात इम्प्रिंटिंग। साथियों आप बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसेंशियल टॉपिक नीट की दृष्टिकोण से आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे साथियों कि यू हैव ऑलरेडी लर्न प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीड द इंट्रैक्शन। इकोलॉजी में सभी टाइप के एक्शंस होते हैं अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके फिजिकल यानी कि अबायोटिक एनवायरमेंट। अबायोटिक एनवायरमेंट में होगा कि हीट होगा, टेम्परेचर होगा, वाटर होगा, एयर होगा, उसे अबायोटिक एनवायरमेंट होगी, वाटर भी हो। तो देखिए कि इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विथ फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इकोलॉजी तो स्टार्ट होती है कहाँ से? ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन दूसरा है, और तीसरा कम्युनिटीज है, और बायोम से। इसी तो ये फोर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, सिंगल स्पीसीज। सिंगल स्पीसीज से ये पॉपुलेशन बनेगा, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज को कम्युनिटीज कहेंगे, और कम्युनिटीज से बायोम्स बनेंगे। बायोम ये रेन फॉरेस्ट होते हैं, टाइगा होते हैं, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड भी होती है, डेजर्ट भी होता है, टुंड्रास भी होता है। तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी में आपको स्टडी करने हैं। तो ये हुई बात बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फोर लेवल्स। नंबर वन ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, और फोर्थ वन इज द बायोम्स। इस यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट की बात करेंगे कि ये आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पॉपुलेशन आप जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो एक्सप्लोर कर रहा है इकोलॉजी कहाँ पर? ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। यहाँ पर देखिए कि ईच इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, इनमें ही आपको इंटरब्रीडिंग करेगा, और इंटरब्रीडिंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये हुई बात किसकी? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। और साथियों की ये बात इकोलॉजी की टर्म ये अर्नेस्ट हैकल ने दी है, आप भी इसके पहले जान लिया है पहले स्लाइड में। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, पंडा दिखाई दे रहा है, कैमल दिखाई दे रहा है, वुल्फ दिखाई दे रहा है, आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर देखिए कि कई ये प्लांट्स दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर जब बात करेंगे इकोलॉजी की, तो ये इसेंशियल होती है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ऑर्गेनिक लेवल पर कौन सी होती है? बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, हार्मोन फंक्शन होता है, फोटोपीरियोडिज्म होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, सीड जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, स्टोमेटल फंक्शन होते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट वाटर रिलेशन होता है। तो इकोलॉजी उसे ऑर्गेनिज्मिक लेवल की इकोलॉजी में कहते हैं। जब बात करते हैं ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी की, एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, प्यारे दोस्तों इसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं।
और ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे अडेप्ट करते हैं उनके एनवायरमेंट में इन टर्म्स नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन. तो इन्हें उनकी ये रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा. रिप्रोडक्शन किस लिए होना पड़ेगा, तो उनकी ये स्पीसीज कंटिन्यूशन होना चाहिए. तो आगे बात करेंगे साथियों, आपने लर्न किया है अर्लियर क्लास में हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट, ये पृथ्वी अराउंड सन ये कैसे घूमती है और इससे क्या इम्पैक्ट होता है साथियों, कि आप ये आपका ये अर्थ प्लैनेट टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, थोड़ा ये झुका वाला है और ये झुकने से ये एनुअल वेरिएशन होते हैं पृथ्वी पर. और ये देखिए कि टिल्ट ऑफ इट्स ये अर्थ का एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ, इससे टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन आपको पता चलता है और इसका परिणाम रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन बनते हैं. ये सीजन ये अर्थ का एक्सिस टिल्ट होने से कई ऐसे सीजन बनते हैं, जैसे समर हो या स्प्रिंग हो या ये विंटर हो या याद रखिए या ऑटम हो, ऑटम यानी कि शरद ऋतु. ये टिल्ट, ये सन तो आप एक जगह पर स्थिर होता है और ये अर्थ आपका टिल्ट है, तो टिल्ट होने से डिस्टिंक्ट सीजन बनते हैं समर स्प्रिंग विंटर और ऑटम. ऑटम आप देखें कि विंटर और समर के बीच में ऑटम ये सीजन आता है. आप इस वेरिएशन की जब बात करते हैं तो वेरिएशन टुगेदर क्या होता है वेरिएशन से, तो वेरिएशन टुगेदर एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन प्लस स्नो यानी कि बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स. बहुत सारे बायोम्स बनते हैं और बायोम्स किसे कहते हैं, ये लार्ज रीजनल यूनिट ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा होगा, फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन टाइप, और फौना यानी कि एनिमल्स ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट फाउंड इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, जैसे फॉरेस्ट हो या टुंड्रा हो, तो उसे मेजर बायोम जैसे डेजर्ट हो या रेन फॉरेस्ट हो या टुंड्रा हो. तो ये हुई बात किससे, तो वेरिएशन से, ये प्रेसिपिटेशन एनुअल वेरिएशन से प्रेसिपिटेशन होता है रेन प्लस स्नो, तो ये मेजर बायोम बनते हैं. और साथियों रीजनल एंड लोकल वेरिएशन की यहाँ पर बात करेंगे. रीजनल और लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम leads to a formation of a wide variety of habitats. ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको नेट में क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं. इस ग्राफ में देखिए x-axis एक्सिस पर आपको दिखाई दे रहा है रेन एंड ये देखिए मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये बारिश मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में कहते हैं, और y-axis पर मीन एनुअल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीमीटर MAT इन अ डिग्री. तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, कैसे बनती है इसकी ही चर्चा यहाँ पर करेंगे. तो प्यारे दोस्तों रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. क्या कहते हैं, प्रत्येक बायोम के भीतर क्षेत्रीय यानी कि रीजनल और स्थानीय यानी कि लोकल डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट निर्माण की ओर ले जाती है. याद रखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कोनीफेरस फॉरेस्ट, यहाँ पर इस देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कोनीफेरस फॉरेस्ट, इस पिक्चर में देखिए ये कोनीफेरस फॉरेस्ट एक टाइप का बायोम है, और इस बायोम में मुख्य रूप से ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कोन्स विद सीड इनसाइड होते हैं, कोन्स भी होते हैं और उस कोन से इस कोन से ये सीड्स पाए जाते हैं. दुनिया भर के सभी कोनी फॉरेस्ट में कोनीफेरस प्लांट मुख्य पौधे होते हैं, मुख्य प्लांट स्पीसीज होती है, लेकिन कोनीफेरस फॉरेस्ट में रीजनल वेरिएशन मौजूद होता है. कैसे, नॉर्थ अमेरिका के कोनीफेरस फॉरेस्ट में ब्लैक स्पोर्स होता है, इस डायग्राम पर देखिए नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक स्पोर्स होता है, इसका डोमिनेंस होता है ब्लैक स्पोर. दूसरी ओर उत्तर पूर्व यूरोप में कोनीफेरस फॉरेस्ट में नॉर्वे स्पोर्स का ये डोमिनेंस होता है, नॉर्वे स्पोर्स. ये देखिए ये ब्लैक हिल्स स्पोर्स ये आपको दिखाई देगा अमेरिका में, नॉर्थ नॉर्वे स्पोर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं नॉर्वे स्पोर्स. और बात करेंगे साइबेरिया, तो साइबेरिया में ये भी पाइन स्पोर्स है, एक विशेष प्रकार का बायोम में रीजनल वेरिएशन दर्शाता है. तो एक ही देखिए कोनीफेरस फॉरेस्ट में रीजनल और लोकल वेरिएशन होता है.
नॉर्वे का हो या नॉर्थ अमेरिका का हो या सिबेरिया का हो, उसे ये लोकल वेरिएशन कहेंगे और रीजनल वेरिएशन ये आपको कोनी फॉरेस्ट में दिखाई देगा। ये देखिए कि आपको एनुअल वेरिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, एनुअल वेरिएशन प्रेसिपिटेशन आपको ये दिखाई दे रहा है इस रीजनल एंड लोकल वेरिएशन से। बात करेंगे आगे साथियों कि यहाँ पर देखिए आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है। 6 टाइप के बायोम्स ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये 6 बायोम पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में काउंट किया जाता है, मैक्सिमम एनुअल प्रेसिपिटेशन ये सेंटीमीटर में काउंट किया जाता है। इस डायग्राम में देखिए ये मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर और ये मीन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाई दे रहा है। वो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो भी ये आपको दिया है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है उस ग्राफ की ही चर्चा करेंगे। कुछ भी हो आपको यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग करेंगे। बायोम शो ए मैक्सिमम रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर, कौन सा बायोम है एनुअल टेम्परेचर ज्यादा दर्शाता है, तो ग्रासलैंड में अकॉर्डिंग टू यूर एनसीईआरटी ये आपको ग्राफ दिया है उसके मुताबिक ग्रासलैंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर होता है। बायोम शोज मैक्सिमम रेंज ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, ज्यादा बारिश कौन से बायोम में होती है, तो यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। कितनी बारिश होती है 150 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर देखिए कि आप 150 की बात कर रहे हैं, ये देखिए 150, और मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ पर देखिए आपको 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बारिश हो सकती है। और बायोम शोइंग लोएस्ट मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर तापमान कहाँ पर होता है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट में। कितना होता है -11 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा की बात कर रहे हैं। ये हुई बात अच्छी तरह से। ये 3 पॉइंट आपके नीट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसका गौर से स्टडी कर ले आप मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, बायोम्स आपको दिखाई दे रही है इंडिया की। यहाँ पर देखिए मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये पहला पिक्चर, डिसीडियस फॉरेस्ट यानी कि दूसरा ये डिसीडियस फॉरेस्ट भी होता है, तीसरा है डेजर्ट यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिसीडियस फॉरेस्ट, और फोर्थ है सी कोस्ट यानी कि समुद्र के तटों पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट। ये 4 बायोम्स इंडिया में पाए जाते हैं। और साथियों ये बात करेंगे इंडिया के, आवर ऑन प्लानेट अर्थ, ये प्लानेट अर्थ जो भी अर्थ प्लानेट है, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फेवरेबल हैबिटेट। लाइफ तो फेवरेबल हैबिटेट में भी होता है, ऐसा नहीं कि अनफेवरेबल में होता है। अनफेवरेबल हैबिटेट को एक्सट्रीम एंड हैरेस हैबिटेट्स कहते हैं। अरे याद रखो कौन से होते हैं, स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट्स, ये तपाने वाली भूमि राजस्थान डेजर्ट्स, ये आपको ये जलाने वाली भूमि ये हैबिटेट है, ये इसे एक्सट्रीम हैबिटेट और हरेश हैबिटेट कहते हैं। रेन सोप्ड मेघालय फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए रेन सोप्ड मेघालय फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, पूरी ये हमेशा हमेशा कभी भी बारिश होती है रेन सोप्ड मेघालय में। चेरापूंजी ऐसा ठिकान है वहां से ये बहुत ज्यादा बारिश होती है। डीप ओशन ट्रेंचेस, ये समंदर की खाई में बहुत सारे ट्रेंचेस होती है, खाई होती है समंदर के अंदर। और टोरेंशियल स्ट्रेंस यानी कि उष्णीय झरने भी पाए जाते हैं जमीन पर। और परमाफ्रोस्ट यानी कि स्नो लैडन फॉरेस्ट, या इसे भी चर्चा करेंगे स्नो लैडन फॉरेस्ट की। पोलर रीजन यानी कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल को आर्कटिक कहते हैं, साउथ पोल को अंटार्कटिका कहते हैं, यहाँ पर भी ये आपको लाइफ एग्जिस्ट होता है। फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स में, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में लाइफ एग्जिस्ट होता है। हाई माउंटेन टॉप पर भी लाइफ एग्जिस्ट होता है। और थर्मल स्प्रिंग, ये गहरे समुद्र की खाइयों, यहाँ पर देखिए कि उष्मीय झरने आपको कहेंगे उसे। और स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, जो भी ये कंपोस्ट पिट्स होते हैं, जो भी आपको प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेंस कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर आप गाड़ देते हैं उसे पिट्स कहते हैं, उससे ये बदबू आती है उसे स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट कहते हैं।
और इवन आवर इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर यूनिक हैबिटेट है कई, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज माइक्रोब्स ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो ये मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया की बात की है, चार मेजर बायोम्स है आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दूसरा है डिसीडियस फॉरेस्ट इंडिया के अंदर, तीसरा है डेजर्ट और चौथा है सी कोस्टल एरिया, सी कोस्ट ये बायोम इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। ये डिफरेंट हैबिटेट्स में ऐसे कौन से फिजिकल और केमिकल कंडीशंस होते हैं, तो डिफरेंट हैबिटेट कौन से, ओशन हो या फॉरेस्ट हैबिटेट हो या डेजर्ट हैबिटेट हो या क्या ग्रासलैंड हैबिटेट हो, वहां पर फिजिकल और केमिकल कंडीशन डिफरेंट हैबिटेट्स में कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। साथियों, ये डिफरेंट हैबिटेट्स दिखाई दे रहे हैं, सभी हैबिटेट्स में आपको पाएंगे कि वहां पर प्रेडिटर्स भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे, पैरासिटॉइड्स भी होंगे और पैथोजेंस भी होंगे। तो ये यहाँ पर देखिए कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस इस डिफरेंट हैबिटेट्स में टेम्परेचर पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है सम और लार्ज अमाउंट में, लाइट भी होती है सनलाइट की और सॉइल भी होती है। और वी मस्ट रिमेम्बर, आपको याद करना पड़ेगा फिजिको केमिकल यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, ये अबायोटिक फिजिकल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थ भी होती है और डू नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें इससे नहीं आपको फिजिको केमिकल कम अबायोटिक फैक्टर से नहीं चलेगा कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव के लिए, और हैबिटेट को इंक्लूड्स करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट की जरूरत होती है, कैसे pathogens, parasites, predators or competitors of the organism with which the interact constantly. तो physico-chemical, abiotic और abiotic factors हमेशा क्या करते हैं, interaction करते हैं। तो ये वही बात biotic और abiotic components के interaction की आगे बात करेंगे। साथियों, आपने भी क्या दिखाए, वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम होता है तो ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कैसे इवॉल्व अडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म ने खुद के अडेप्टेशन इवॉल्व किए है, इसलिए ऑप्टिमाइज द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इटसेल्फ। ऑर्गेनिज्म जहां पर भी रहता है उस कंडीशन में, उस ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए और पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए कई अडेप्टेशन डेवलप किए हैं। ऐसे कौन से अडेप्टेशन होते हैं साथियों, ज्योग्राफिकल लिमिट्स विद इन विच पॉपुलेशन एग्जिस्ट होता है उसे हैबिटेट कहते हैं। आपने पहले ही जान लिया है ज्योग्राफिकल लिमिट विद इन विच पॉपुलेशन एग्जिस्ट उसे हैबिटेट कहेंगे। और हरेक देखिए यहाँ पर ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबल यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस, वैसे उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है, सहन करता है, कैसे डायवर्सिटी ऑफ इन द रिसोर्सेज इट विल, उस कंडीशन में वहां पर जितने भी डायवर्सिटी है, जितने भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन करता है जीने के लिए, और वहां पर वो ऑर्गेनिज्म फंक्शनल रोल अदा करता है इन द इकोलॉजिकल सिस्टम और ऑल दीज टुगेदर कंप्राइजेस द नीच। तो नीच की बात की थी है, नीच किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल रोल पर। तो नीच क्या है कि रोल ऑफ स्पीसीज, किसी भी प्लांट हो या एनिमल स्पीसीज का रोल, जिसमें इंक्लूड होगा कि वो प्लांट या एनिमल कैसे ईट करता है, कहाँ पर रहता है और कैसे रिप्रोड्यूस होता है, उनका रिलेशन अदर स्पीशीज से कैसा है, उसे क्या कहते हैं, नीच कहते हैं। और हैबिटेट यानी कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पर, जिस एनवायरमेंट में रहता है, जहाँ पर भी रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं, और उस वो ऑर्गेनिज्म कैसे रोल फॉर्म करता है, कैसे रोल अदा करता है, फूड की हैबिटेट क्या है और ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, अदर स्पीशीज से कैसा रिलेशनशिप है, उसे नीच कहते हैं या नीचे कहते हैं। साथियों, ये नीस की टर्म जो दी है तो फर्स्ट यूज किसने यूज किए है, जॉर्ज बर्ड ग्रेनियल ने। यहाँ पर देखिए कि जॉर्ज बर्ड ग्रेनियल का आपको आपके लिए फोटोग्राफ दिया है, इन्होंने ही ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं, और रहने के बजाय उस रहने की जगह पर कैसे डाइजेशन करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे खाना खाएगा, उसे नीचेस कहेंगे या नीच कहेंगे, ये कंसेप्ट जॉर्ज बर्ड ग्रेनियल ने दिया। और आगे बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं एनसीईआरटी से, तो ये ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज उसे नीच ओवरलैप, यदि दो अलग अलग स्पीसीज होंगी
और एक सेम उनका खाना होगा, एक ही खाना होगा, तो उसे नीच ओवरलैप करेंगे, कहेंगे साथ वो बात करेंगे मेजर अबायोटिक फैक्टर्स की। तो धरती पर या अर्थ पर अबायोटिक फैक्टर चार होते हैं। पहला फैक्टर होता है यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, और तीसरा है सॉइल, और लास्ट है लाइट, ये फोर्थ फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसमें भी आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होनी चाहिए, टेम्परेचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। टेम्परेचर की बात करेंगे अबायोटिक फैक्टर की धरती पर की, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रियली वंट एनवायरमेंटल फैक्टर, ये बहुत ही रिलेवेंट है। और यू मे अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड कैसे ये बदल सकता है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है तो ये वेरी होता है, कैसे वेरी होता है, सीजनली वेरी होता है, विंटर में अलग होता है, समर में अलग होता है, और कभी डिक्रीज भी होता है प्रोग्रेसिवली, फ्रॉम कैसे डिक्रीज होता है, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आपको लाइन दिखाई दे रही है। बात करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अर्थ का, ये दिया है गोला, और ये देखिए यहाँ पर कि अर्थ पर आपको ये अर्थ का मैप दिया है, और अर्थ के मैप पर आपको दिखाई दे रही है नॉर्थ पोल की बात करते हैं। नॉर्थ पोल बीच में है इक्वेटर और सबसे नीचे है साउथ पोल। तो इक्वेटर यानी कि मध्य भाग होता है, इक्वेटर देखिए ये, इसे इक्वेटर कहते हैं, पृथ्वी के भाग में दो भागों में बटी है। और ये देखिए यहाँ पर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो उसे आपको कैंसर दिखाई देगा, 23.5 डिग्री पर ये आपको कैंसर यानी कि कर्क व्रत कहेंगे, और ये कैस्केरियन यानी कि मकर व्रत कहते हैं 23.5 यहाँ पर इक्वेटर से। यदि आप नीचे जाएंगे साउथ की तरफ कैप्रिकॉर्न होगा, और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे आपको कैंसर दिखाई देगा। और यहाँ पर लिखा है कि यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर, साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर कहाँ पर और डिक्रीज होगा, जब माउंटेन की टॉप पर जाएंगे, पर्वत की शिखर पर जाएंगे तो ये टेम्परेचर आपको डिक्रीज दिखाई देगा। बात करेंगे कि टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, सब जीरो लेवल कहाँ पर होती है, ये देखिए कि रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन अ पोलर एरिया, जो भी नॉर्थ पोल है धरती के और साउथ पोल है वहां पर सब जीरो लेवल होगी। साउथ पोल देखिए, यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल, और हाई अल्टीट्यूड एरिया मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर कहाँ पाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इक्वेटर, इक्वेटर से आप कैंसर तक जाएंगे तो ये ट्रॉपिकल जोन दिखाई देगा, इक्वेटर से आप कैप्रिकॉर्न तक जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा ट्रॉपिकल डेजर्ट। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाई देगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करेंगे देयर आर यूनिक हैबिटेट्स, ऐसे आदिवास होते हैं, ऐसे ये देखिए हैबिटेट्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट रहने की जगह, कैसे कई ऐसे धरती पर थर्मल स्प्रिंग्स, थर्मल उष्मीय झरने कहेंगे, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी होते हैं, यानी कि समुद्र तल पर जल उष्मा का दरार होता है उसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। वहां पर टेम्परेचर कितना होता है भाइयों, तो वहां पर एवरेज टेम्परेचर की बात की है तो मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिए वहां पर भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कितना भी हॉट हो या कितना भी कोल्ड ये टेम्परेचर हो तो वहां पर आपको किसी भी हैच हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म पाएंगे ही पाएंगे, आपको दिखाई देंगे। बात करेंगे आगे कि अब यहाँ पर आप सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, जनरल नॉलेज की बात करेंगे, कैसे मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन अ टेम्परेट कंट्री लाइक कैनेडा एंड जर्मनी। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिया है कि अर्थ पर ये ट्रॉपिकल जोन हॉट होता है, इसी जोन में मैंगो ट्री ग्रोज होते हैं, लेकिन आपको टेम्परेट जोन में या पोलर जोन में मैंगो खाने को नहीं मिलेगी। और ये कनाडा की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे तो ये आपको पाएंगे टेम्परेट कंट्रीज होते हैं। और आगे बात करेंगे ये स्नो कैसी बात की है, यहाँ पर देखिए स्नो लियोपार्ड, ये बिप्त्या बोलेंगे उसे, बर्फ में पाए जाने वाला लियोपार्ड, आर नॉट फाउंड इन केरला के जंगल में नहीं मिलेगा आपको। और बात की है टूना फिश यानी कि उसे कुपा फिश कहते हैं, रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन। ओशन के भी लैटिट्यूड होते हैं, जैसे धरती के होते हैं उसी तरह के लैटिट्यूड ओशन के होते हैं, आपको ये पोलर या कोल्ड रीजन में नहीं पाएगा, जैसे जापान में आपको ये जापान के समंदर की तरफ ये टूना फिश नहीं पाएगा, कुपा फिश नहीं पाएंगे। बात करेंगे कि साथियों यू कैन अप्रिशिएट, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस है टेम्परेचर का,
टेम्परेचर बहुत ही लिविंग के लिए, जीने के लिए महत्वपूर्ण होता है टेम्परेचर और टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हेन यू रियलाइज, जब आप रियलाइज करेंगे कि टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम ऑफ काइनेटिक्स आप टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हैं, तो काइनेटिक ऑफ एंजाइम की बात करेंगे तो ये किसे कहते हैं काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स. तो काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स ये क्या करते हैं, अफेक्ट्स द काइनेटिक ऑफ एंजाइम एंड थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, प्लांट की सेल हो या एनिमल्स की सेल हो, प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. यदि एंजाइम्स ये प्रोटीन्स होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में काम होते हैं. आप देखिए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को आप एंजाइम ये अच्छी तरह से काम करेंगे. यदि टेम्परेचर ज्यादा हो तो ये एंजाइम डी नेचर्ड होंगे, और यदि टेम्परेचर कम होगा उस ऑर्गेनिज्म का तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ये सर्वाइव के लिए इम्पोर्टेंस होता है, मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण होता है. यही लाइन आपको कह रही है. आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों कि आप जानते हैं कि फ्यू ऑर्गेनिज्म ये टॉलरेट करते हैं, थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसे यूरीथर्मल कहते हैं. जितना भी तापमान बढ़े हो तो उसे ये सहन करते हैं, उसे उस ऑर्गेनिज्म को यूरीथर्मल कहते हैं. बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम, कई ऑर्गेनिज्म में, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं नैरो रेंज टेम्परेचर. ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर के आधार पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल. तो यूरीथर्मल प्लांट होते हैं, यूरीथर्मल एनिमल होते हैं, स्टीनोथर्मल प्लांट होते हैं, स्टीनोथर्मल एनिमल भी पाए जाते हैं टेम्परेचर के आधार पर. तो देखिए यहाँ पर कि द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरेंस, टेम्परेचर का जो भी टॉलरेंस होता है, सहन शक्ति होती है, डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन करती है लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रेंज करता है. साथियों, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स. आप कई स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म के बारे में विचार कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. यूरीथर्मल एनिमल्स कौन से होते हैं? कैट होते हैं, डॉग्स होते हैं, टाइगर होते हैं. प्लांट की जब बात करते हैं यूरीथर्मल की, रोजेस भी होते हैं, डाइजेस भी होते हैं, उसे गलबला गुलबहार कहते हैं. और बात करेंगे आगे स्टीनोथर्मल एनिमल्स की, तो स्टीनोथर्मल क्रोकोडाइल भी होते हैं, फिशेज भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं. और जब बात करेंगे स्टीनोथर्मल की, ये स्टीनोथर्मल यानी कि नैरो रेंज टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. वैसे बोगनविला बात करेंगे, ऑर्किड्स की बात करेंगे, फ्रांगी पानी यानी कि चाफा की बात करेंगे. क्रोटोन आपके यहाँ पर देखिए, फ्रांगी पानी उसे चाफा कहते हैं. और क्रोटन ये आपको ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, आपके घर में होगा, आपके गार्डन में होगा, कहाँ पर भी, कॉलेज में होगा, जहाँ पढ़ते होगे आपके क्रोटोन की प्लांट दिखाई देते हैं, ये स्टीनोथर्मल होते हैं. आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों की रिसेंट ईयर में, ये अभी हाल ही के कई सालों में ग्रेजुअली इंक्रीज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ये टॉपिक नंबर 16 में एनवायरमेंटल इश्यू में आप पढ़ेंगे. तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड कंटिन्यूस, ऐसा ही ट्रेंड चलता है. तो वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड. आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई प्लांट की और एनिमल की स्पीशीज उससे अफेक्ट होती है यदि ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है तो. बिल्कुल जी हाँ, हो सकता है, होता है, बिल्कुल होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पर देखिए कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो होगी किसकी, प्लांट की स्पीशीज हो, एनिमल्स की स्पीशीज हो, वुड भी अफेक्ट होगी. क्योंकि दैट कैन बी रिजल्ट, वो स्पीशीज माइग्रेट करेगी, प्लांट की स्पीशीज हो या एनिमल की स्पीशीज माइग्रेट करेगी सूटेबल हैबिटेट, जहां पर भी ये उन्हें सहन करने का हैबिटेट मिलेगा, जहां पर भी सहन करने के लिए जगह मिलेगी, वहां से वहां पर जाएंगे और ये ऐसे हीट को शीट से छुटकारा पाएंगे. तो ग्लोबल टेम्परेचर से ये होगा. आगे देखेंगे साथियों कि नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वाटर. ये वाटर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, यानी इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. प्लांट हो या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंसिंग करेगा, ये वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन द वाटर. आप जानते हैं लाइफ का ओरिजिन ये वाटर से हुआ है. और अनसुटेबल विदाउट वाटर, यदि वाटर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा. जल है तो जीवन है और जीवन जल से ही बनता है, आप जानते हैं. सो वाटर अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट. डेजर्ट जहाँ पर भी पायम होता है तो वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है. स्पेशल एडेप्टेशन वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, उनमें ये अडेप्ट करते हैं और ये उस ऑर्गेनिज्म वहाँ पर लाइव करते हैं डेजर्ट हैबिटेट में. ये हुई बात. आप जानते हैं कि कई प्लांट के सोर्स होते हैं, सोर्सेस पॉन्ड में होता है वाटर,
पॉन्ड्स में वाटर होता है, स्ट्रीम में होता है, लेक्स में होता है, ओशन में होता है, रिवर्स में होता है, ये और ये है सोर्सेस ऑफ वाटर। बात करेंगे आगे कि वाटर की ही बात करेंगे साथियों। आप जानते हैं कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन ये हीवीली डिपेंड ऑन वाटर, ये पानी के आधार पर भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है। तो यदि यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग प्लांट और एनिमल्स है तो कहाँ पर रहते हैं, ओशन में रहते हैं, वो लेक्स में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। जी हाँ, पक्का वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं कि यह सत्य नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है डेजर्ट, ये वो स्केयरसिटी ऑफ वाटर उन्होंने अडॉप्ट किया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैमल, ये भी वह ये डेजर्ट के लिए अडॉप्ट करता है। तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द ओशियंस, लेक्स और रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट, वहां पर भी पानी कम हो सकता है, होता है। बात करेंगे आगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, बात करेंगे जहां पर पानी में, बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दैट क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच, क्वालिटी ऑफ वाटर इसे ये बन जाती है, केमिकल कंपोजिशन और पीएच ऑफ वाटर बिकम इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया जाता है, नापता है सलाइनिटी इन पीपीटी, पीपीटी यानी पार्ट्स पर थाउजेंड्स इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर। पीपीटी ये देखिए, ये 5 लेस देन 5 होती है, पार्ट्स सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 5 से कम होता है इनलैंड वाटर में, और 30 to 35 इन सी, 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड्स ये होती है ओशन की वाटर में, सीस की वाटर में, और मोर देन 100 इन सम हाइपर सलाइन लगुन्स की बात की। हाइपर सलाइन लगुन्स किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर लेके जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि लोनार लेक, ये बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर ये होता है, और ये लोनार लेक के अंदर देखिए कि ये लोनार लेक में ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 100, उसे हाइपर सलाइन लगुन कहते हैं। और उड़ीसा में चिल्का भी ये लेक होता है, आप जानते हैं पॉपुलर ये सांभर लेक, सांभर सॉल्ट लेक राजस्थान के अंदर होता है, और वहां पर ये देखिए ये सॉल्ट लेक है, और इस सॉल्ट लेक में ये सलाइनिटी होती है, हाइपर सलाइन लगुन्स है ये, और इनकी सलाइनिटी मोर देन 100 होती है, वहां पर भी ऑर्गेनिज्म आपको सर्वाइव होते हैं। देखिए सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सलाइन, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं 100 पीपीटी पर भी ये आप पाए जाते हैं, उसे यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कैन लिव इन, देखिए कि सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी, उसे यूरी हेलाइन, और कैन लिव इन फ्रेश वाटर ऑफ ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, उसे ऐसे ऑर्गेनिज्म की तो ये यूरी हेलाइन कहते हैं। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, उसे स्टीनो हेलाइन कहते हैं, उन्हें सलाइनिटी पसंद नहीं होती, ज्यादा भी थोड़ी भी ज्यादा सलाइनिटी होती है उस ऑर्गेनिज्म के जग नहीं पाते, वहां पर सर्वाइव नहीं करते, उसे नैरो रेंज ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स, याद रखिए कई ऐसे फ्रेश वाटर एनिमल्स है कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर, यदि फ्रेश वाटर एनिमल्स को सी वाटर में आप डालेंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। और ओशन वाटर के वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्रेश वाटर में जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें एक एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम कहते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्या है प्यारे दोस्तों, आप ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, स्टेबिलाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड लेवल्स, और इससे टर्जिडिटी ऑफ सेल मेंटेन कहती है, उसे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि यूरी ये फ्रेश वाटर के एनिमल सलाइन वाटर में नहीं रह पाएंगे, सलाइन वाटर के एनिमल ये फ्रेश वाटर में नहीं रह पाएंगे, उसे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे साथियों, फिजिकल फैक्टर है लाइट। तो सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू ए फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस फूड प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोसेस ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, जब भी सनलाइट अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो भी खुद का खाना खुद बनाते हैं जैसे प्लांट, उसे ऑटोट्रॉप कहते हैं। सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर होता है, और कई ऐसे स्पीसीज स्मॉल प्लांट्स के ग्रोइंग द फॉरेस्ट
अडेप्टेड टू फोटो, छोटे छोटे कई स्पीसीज, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे स्पीसीज भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए अडेप्ट करते हैं ऑप्टिमली अंडर द वेरी लो लाइट कंडीशन, क्योंकि बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवर शेडो बाय टॉल एंड कनोपीज ट्री। इस डायग्राम में देखिए प्यारे दोस्तों कि ये आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इस पेड़ के नीचे ये छोटे छोटे हर्ब और श्रब्स होते हैं, ये अंडर स्टोरी और श्रब लेयर कहेंगे और ये फॉरेस्ट लेयर फ्लोर होगी, ये जमीन होगी। इस जमीन पर हर्ब और श्रब्स पाए जाते हैं, इन्हें ज्यादा मात्रा में लाइट नहीं मिलती, तो ये क्या होते हैं ओवर शेडो बाय टॉल और कैनोपी ट्रीज होते हैं। और आगे बात करेंगे, मेनी प्लांट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, आप जानते हैं, और ये मीट टू देयर फोटोसिंथेटिक फोटोपीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लावरिंग। कई प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए फोटोपीरियड महत्वपूर्ण होता है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स, उसे फोटोपीरियड कहते हैं। और फॉर मेनी एनिमल्स, ये देखिए प्लांट्स को तो फोटोपीरियड की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को नहीं होती, एनिमल्स को भी फोटोपीरियड की जरूरत होती है। लाइट इज इंपॉर्टेंट इज दैट दे यूज द डायुरिनल, एनिमल डायुरिनल होते हैं, कौन से, एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, जो भी एनिमल्स डे टाइम को एक्टिव होते हैं उसे क्या कहते हैं, डायुरिनल कहते हैं। एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की सीजनल वेरिएशन होती है और ड्यूरेशन उसे फोटो पीरियड कहते हैं, एसडीपी, एलडीपी और डीएनपी यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट, ये संकेत होता है, ये क्यूज होता है टाइमिंग देयर, इसलिए ये एनिमल्स के फीडिंग फूड के लिए, फोरेजिंग के लिए फीडिंग फूड और रिप्रोडक्शन के लिए लाइट महत्वपूर्ण होती है। माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए कई एनिमल्स ये लाइट को माइग्रेट करते हैं, कई एनिमल्स डे को माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए लाइट का महत्वपूर्ण है। लाइट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर ये कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट की अवेलेबिलिटी कहाँ पर, धरती पर, भूमि पर प्रकाश की उपलब्धता, तापमान के साथ टेम्परेचर के साथ ये क्या होती है, लिंक होती है। और ये तापमान, ये देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड, धरती पर लाइट की अवेलेबिलिटी या धरती पर लाइट होना ये क्लोजली लिंक्ड होता है इससे, तापमान के लिए, टेम्परेचर के साथ, क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ बोथ, यानी कि धरती पर लाइट होना और टेम्परेचर होना ये सन के साथ इंपॉर्टेंट होता है। और बात करेंगे साथियों डीप मोर देन 500 मीटर, ये समंदर, गहरी समंदर के अंदर कई एनवायरमेंट में डार्क एंड इनहेबिटेंट्स होते हैं, कई प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ये मोस्टली अल्गी पाई जाती है डीप सी में, ये इनहेबिटेंट होती है और ये आर नॉट अवेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे कॉल्ड एज अ सन। ये देखिए कि आपको ये सन का सेलेस्टियल सोर्स यानी कि आसमान का सोर्स कौन सा होता है, एनर्जी का सन होता है, उस पर ये डेप्थ में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स भी ये उनको एनर्जी मिलती है। व्हाट इज दैट देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, उनकी सनलाइट की सोर्स की एनर्जी मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है इसका पता करेंगे। तो सनलाइट आप जानते हैं स्पेक्ट्रल क्वालिटी होती है सनलाइट के अंदर, स्पेक्ट्रल क्वालिटी कैसे होती है प्यारे दोस्तों कि सोलर रेडिएशन आपको जानते हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर लाइट होते हैं, विज्जार के बारे में आप जानते हैं, सोलर रेडिएशन के बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर कि स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, सन के साथ अल्ट्रावायलेट कंपाउंड होते हैं स्पेक्ट्रम में, ये हार्मफुल होते हैं कई प्लांट्स और एनिमल्स को, मेनी ऑर्गेनिजम्स को। वाइल नॉट ऑल कलर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये अवेलेबल होता है मराइन प्लांट्स को और मराइन प्लांट्स लिविंग को और डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशंस के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ यहाँ पर। विजिबल स्पेक्ट्रम सन से आने वाला, इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये विजिबल लाइट है और विजिबल लाइट आपको जानते हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, यही लाइट क्या होती है प्लांट को अवेलेबल होती है। डेप्थ में कैसे ये पहुंचती है इसकी बात करेंगे प्यारे दोस्तों, डेप्थ में कैसे परे ये आपको पहुंच जाएगी, तो लाइव आप जानते हैं कि आगे देखेंगे कि अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहैबिटेड इन द सी, डीप सी ओशन में आपको रेड ब्राउन और ग्रीन एल्गी दिखाई देगी, मोस्टली रेड दिखाई देगी, ब्राउन दिखाई देगी, विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन अ डीपेस्ट वाटर। जी हाँ, ये डीपेस्ट वाटर में भी लाइट पहुंचती थी, और कैसे पहुंचती इसका जिक्र यहाँ पर करेंगे प्यारे दोस्तों। वी नो दैट लाइट एनर्जी इज अ नेसेसरी एंड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म में सन या सूर्य प्रकाश ये अल्टीमेट सोर्स होता है। सन के रेडिएशन फ्रॉम द सन ट्रेवल डाउन द सी डेप्थ तक पहुंच सकते हैं, और ओनली मोस्ट एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, जो भी सोलर स्पेक्ट्रम होता है
तो ये रीच करता है ग्रेटर डेप्थ तक, उसमें ब्लू पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यहाँ पर देखिए कि विजिबल लाइट का जो भी ब्लू पोर्शन होता है वो ये ब्लू पोर्शन स्पेक्ट्रम का, सनलाइट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है ब्लू को एंड हाई एनर्जी होती है, ब्लू लाइट को सन के शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हाई एनर्जी होती है, इसलिए ब्लू कंपोनेंट जो भी एबल होती है पेनिट्रेट डीप डाउन द ओशन डेप्थ, तो ये होती बात। और नो आवर रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी जस्ट नेम रेड बिकॉज द पिगमेंट कंटेंट, और हाई की बात की है आगे लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है किस लिए रेड ब्राउन एल्गी जस्ट नेम रेड बिकॉज पिगमेंट्स इट कंटेन, फाइको इरिथ्रिन रेड एल्गी में पिगमेंट होता है, फाइकोबिलिन और फाइको इरिथ्रिन ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट और यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, दस यूजिंग द लिटर सोलर एनर्जी दैट रीचेस द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड, तो ब्लू लाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड एल्गी इज एबल टू सर्वाइव इन द डीपेस्ट ऑफ द ओशन, कितना भी डेप्थ हो 500 मीटर से ज्यादा हो तो ये रेड और रेड एल्गी सर्वाइव करती है, क्योंकि ये ब्लू लाइट जो भी है इंफ्रारेड यहाँ पर देखिए विजिबल लाइट की तो ये एब्जॉर्ब करती है, ये हुई बात है इसकी लाइट की। आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों साइट की, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये लास्ट कंटेंट है, तो ये फैक्टर महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, सभी धरती पर एक टाइप की सॉइल नहीं है, उसका नेचर अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, और ये नेचर और प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट के आधार पर डिफरेंट रहती है, वेदरिंग प्रोसेस के आधार पर डिफरेंट होती है, वेदर द सॉइल दैट इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ द सॉइल डेवलप ऑफर्ड, ये सॉइल का स्टेटा आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कैसे, तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल होती है इस स्टेटा के अंदर, सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल की ग्रेन की साइज और सॉइल के एग्रीगेशन डिटरमाइन करते हैं, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, आप जानते हैं प्यारे दोस्तों। कई पैरामीटर भी होते हैं सॉइल के, पैरामीटर कौन से होते हैं, पीएच भी होता है, मिनरल कंपोजिशन भी होता है, सॉइल की टोपोग्राफी भी होती है यानी कि रचना भी होती है, और ये सॉइल की रचना कंपोजिशन और पीएच मिनरल ये डिटरमाइन करते हैं सारियों कैसे, लार्ज एक्सटेंस ऑफ वेजिटेशन इन एरिया, वहां पर यदि अच्छी सॉइल होती है, ज्यादा सॉइल होती है तो वेजिटेशन भी क्या होता है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एनिमल स्पीसीज भी वहां पर ज्यादा होगी यदि प्लांट्स वहां पर ग्रो करेंगे तो। दिस इज इंटर डिक्टेट्स यानी कि परमिशन करती है, यदि अच्छी टोपोग्राफी होती है तो टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड, वहां पर उस साइड में एनिमल भी सपोर्ट करेगा, प्लांट भी सपोर्ट करेंगे, और सिमिलरली इन एक्वेटिक एनवायरमेंट पानी में रहने वाले एनवायरमेंट, यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है स्टीप एक्टिव स्लोप पर सॉइल नहीं होती, ये भी देखिए ये माउंटेन पर सॉइल नहीं होती, ये शैलो स्लोप पर आपको सॉइल दिखाई देगी ये, और लोनली वैली में ज्यादा सॉइल होगी, यहाँ पर ये देखिए शैलो स्लोप पर ये बहुत सारी आपको ये प्लांट दिखाई दे रही, ये फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, लोनली सॉइल पर क्रॉप होगा, और हेड स्लोप जो है तो ये थिक सॉइल होंगी, और ये सॉइल के लेयर भी है साथियों, ये डिक्टस की बात करेंगे। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एक्वेटिक में सेडिमेंट्स यानी कि गाल होता है, गाल होता है, ये कैरेक्टर्स ऑफन द डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स की बात करते हैं, तो साथियों बेंथिक एनिमल्स कौन से होते हैं, बेंथिक यानी कि गाल में रहने वाले, डीपेस्ट साइड में ये समुन्द्र की हो या लेक पर हो तो बेंथिक एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं, डेप्थ ऑफ द सी इसे बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, ये बेंथिक एनिमल्स ये ओशन में भी होते हैं या पॉन्ड्स में भी होते हैं, और दैट कैन थ्राइव ये अच्छी तरह से प्रोग्रेस करते हैं, अच्छी तरह से ये डेवलप होते हैं, और ये देखिए कि ये बेंथिक में क्रैब पाए जाते हैं, लॉबस्टर पाए जाते हैं, ब्रैंकल्स पाए जाते हैं, श्रिम्प्स पाए जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ द बेंथिक एनिमल्स आर द आर्थ्रोपॉड्स, ये वही बात है फिजिकल फैक्टर की। साथियों इस वीडियो को आपने अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।